मार्च मास 18-28 आर्मी रैली होबा को जाउछि पारादीप रे एवं 29 रु एप्रिल 7 पर्यंत राउरकेला रे आर्मी रैली होबा को जाउछि। त जो माने फॉर्म आवेदन करछन्के समस्त वर्तमान फिजिक माने फिजिकल फिट होबा पई बा फिजिकल क्लियर करिया पई वर्तमान से माने रनिंग फनिंग करछन्ति त तांका पई वीडियो टी बहुत इंपोर्टेंट होबो एवं जो माने भी नुवा देखुछन्ति समस्त पई वीडियो इंपोर्टेंट होबो केमिति आर्मी रैली रे फिजिकल आपन केमिति क्वालिफाई करि परिबे हाइट वेट चेस्ट माने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ए दुटा को आपन माने केमिति आराम से क्लियर करि परिबे ताहा पर डिटेल्स रे वीडियो ए वीडियो रे कहिबी एवं एथरे आपन मानकर बहुत सारा डाउट क्लियर हबो जे आपन माने जो भाबुचंती जे रनिंग काहे ना एथरे रनिंग टा मेन रहूची एवं ए रनिंग उपरे पूरा स्पेशली आपन को बुझाई कहिबी सेति पई आपन रे ए वीडियो टा आर्मी फिजिकल वीडियो हिं आपन को रखिले त या पर मु मेडिकल देबी एवं ता पर रिटेन उपरे वीडियो देबी जेटा कि आपन इजीली क्वालिफाई करि परिबे जेमि मु आर्मी क्लरिकल रिटेन क्वालिफाई करथली आर्मी रो मेडिकल ले डायरेक्ट फिट हेतली एवं आर्मी रो फिजिकल ने मध्य फिट होती फिजिकल क्वालिफाई करी जमी कि माइंड खटेला पर ही फैल ना ता पूर्व सब वे आर्मी मेजरमेंट हाइट में करी रनिंग में दु तीन थर कटिली तापर मुझे जो माइंड खटेली ना जे मत यह हिं कले ठीक हम से जो ट्रिक्रे पास करूली तो आपण मानक से ही आज बताए। तो प्रथम कथा है आर्मी पर आप समस्त फर्म आवेदन कर डॉक्यूमेंट आउ कि हाइट वेट चेस्ट उपयोग बेसिक किसी कहना आवश्यक नहीं तथा जनईद हाइट ये 169 सेंटीमीटर वेट 50 केजी और चेस्ट 77 मैंने 82 सेंटीमीटर रोज। तो हाइट वेट चेस्ट उपयोग तीन टा वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखिए जब आप हाइट में कौन से मेजरमेंट हाइट में आपू था जस्ट हाइट 169 70 68 यार भितर जब हाइट होता है तेज आपड़ी पकईदेगी तेज आपठी क्वालिफाई करने चेस्टा करेंगे से आप वीडियो गोटे बनई देखेदे वेट उपर जब आप वेट टे कमी जाए बढ़ी जाए से समय तो आप कौन करेंगे तापर मैं गोटे वीडियो बनई देखेदे और जो चेस्ट जब आप कम अच्छी आप बड़ ना चेस्ट आउट बढ़ाया चाहूँ चेस्ट कमी बढ़े मतलब वीडियो बनई दी आप देखेदे तीन टा डिस्क्रिप्शन एबे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट ए टू जेड डॉक्यूमेंट जितना डॉक्यूमेंट सब क्लीयरली ने कहीं डॉक्यूमेंट कंटेंट बहुत बाधि तो डॉक्यूमेंट तार पी डी एफ फाइल मैं टेलीग्राम ग्रुप छाड़ी देखिए गुटी गुटी कर डॉक्यूमेंट सब ठीक से ही रेड करेंगे। थर्ड में आसा फिजिकल एफिशिएंस टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट गला डॉक्यूमेंट गला फिजिकल एफिशिएंस टेस्ट चारिटा इवेंट हम रनिंग पुलअप बीम जोटा तापर बालांस आउ 9 फुट डेट्स। तो प्रथम कथा है प्रथम जानवे रनिंग रनिंग 5 मिनिट 45 सेकेंड भितर आपको 1600 मीटर रनिंग मारे पड़ो 5 मिनिट 45 सेकेंड रनिंग जब आप 1600 मीटर क्वालिफाई करुँचे दुईटा ग्रुप अच्छे गोटे 5 मिनिट 30 सेकेंड भितर मारे आप प्रथम ग्रुप रे 5 मिनिट 41 31 रु 45 भितर सेकेंड ग्रुप रे प्रथम ग्रुप वाला 60 मार्क मिल सेकेंड ग्रुप वाला 48 मार्क मिल फिजिकल आपको 100 मार्क मिले तापर जमीक रनिंग में 60 हाएस्ट और पुलअप्रे आप 40 रोज। प्रथम जानवे रनिंग आपण मैंने भावुए रनिंग से आर्मी जो रनिंग होता सब हार्ड केवल आर्मी रनिंग क्वालिफाई करदे अधा चाकरी होगा समस्त जानते तेज आज ये ट्रिक जानतु और रनिंग आपड़ जमी क्वालिफाई करेंगे मुझे तीन चार थर जो रनिंग में फेल होगा मुझे तापर ये ट्रिक बाहर करके आर्मी क्लरिकल रनिंग क्लीयर कली कहीं जानते आपने जीडी ये पिला को रखे क्लरिकल बहुत कम पिला को रखे तो आर्मी क्लरिकल तापर मुझे क्लीयर करदे आपने जानते विदाउट प्रैक्टिस हिं करी तो दिन दुई दिन केमी रनिंग कैसे से विषय में आगे वीडियो बनई आर्मी वीडियो आर्मी रैली में मुझ ट्रिक वीडियो मैंने जो मैंने प्रैक्टिस कर रनिंग जो वीडियो बनई से ही हिसाब से रनिंग कैसे विदाउट प्रैक्टिस हिं आर्मी क्लर्क रनिंग क्लीयर करी तो आपको मुझे डिटेल्स जनईबी वीडियो लास्ट पर्यटन देखिए चैनल सब्सक्राइब करें पाखे बेल आइकन प्रेस कर देते सर्वप्रथम वीडियो नोटिफिकेशन पाए या पर मेडिकल वीडियो आउ रिटेन वीडियो आने आपको आज सकाल कही सब डिटेल्स जिते सब पोस्ट बाहर सब कहि मैंने एसएससी जेडी कहि आउ पीएमटी फॉरेस्ट गार्ड कहि कि आर्मी पर फास्ट कहे आर्मी डिक्लेयर हो सारी डेटा कि एसएससी जेडी में डिक्लेयर होना बा फॉर्म पड़ी ना एसएससी जेडी में आम फॉर्म मार्च मस पाखु फॉर्म पड़ो आउ पीएमटी आउ आम फॉरेस्ट गार्ड सी दुटा आप डिक्लेयर करना कौ डेट्रे एक्जाम करेंगे बोली तो एक्जाम कला मुझे कहीदेवी ना आर्मी सरला आपको से सब वीडियो आपको देवी। ओके प्रथम कथा है जितेबाला आम रनिंग करने जावा से आम जानते मैंने 300 पिला कि 400 पिला मैंने 20x15 कि 20x20 पिला एका साथ से छाड़े जो बाउंड्रीटा से करें से बाउंड्रीटा 400 मीटर बाउंड्री तम आम चार थर बोलिए आमको 1600 मीटर कम्प्लीट हो तो चार थर जो आम बुलाई से जावा कि देखो प्रथम कथा जो बाउंड्रीटा से बनई से बाउंड्रीटा ही
400 मीटर तेरे आम कौन से बाउंड्री से लाइन में दौड़ी आम दौड़ मैंने पिला के मानते 10 फुट डिस्टेंस 15 फुट डिस्टेंस करके लंबे आसुच्चा भितर 5 फुट 5 मिनट 45 सेकेंड जो पिला भी मारी दे था से मारी पारती ओके तो ये कौन आपको पड़ो तो आपंकर प्रथम कथा जो आप बसुवे से आपको पूरा जब लास्ट लाइन में रखीदे तेज आप रनिंग निश्चित कम कहीं आप तीन शह पा चार शह पा काटिक मैं फास्ट्रे आग को जी आपको सीट टाइम लगे जदि आगे बस पश्चिम बस आपको कौन प्रथम कथा जब आप आगे बस रनिंग स्टार्टिंग हम व्हिसल बाजियो मैंने आप रनिंग आरंभ करवा दरकार रनिंग आरंभ मानने कौन मैंने फास्ट रनिंग करवा दरकार थार्ड पिला सेकेंड पिला पंद्रह नंबर पिला जी समस्त अच्छा से चेस्टा करेंगे बाहर बाटे बुलिक जामी आग को जीपाई प्रथम 100 मीटर 200 मीटर भितर आप जिते पिला 400 पिला अच्छा आप भावे जमी 40 50 30 20 भितर रही राउंडिंग मतलब बुलिक जब 15 मीटर आउ रेस्ट बुलिक पलि जाए पड़े तो प्रथम स्टार्टा आप 50 40 30 भितर रही चेस्टा करेंगे तो रनिंग आरंभ होगा आप स्पीड मारदे रनिंग रनिंग मारि सारा आप फास्ट राउंड रे से 20 30 पिला भितर रही चेस्टा करेंगे कि टारगेट रखिए सबूत जे मु फास्ट 20 पिला भितर ही रही भितर एक्सलेंट पिला थे भल रनिंग वाला पिला थे फास्ट राउंड आपर सेमती क्लीयर हो सेकेंड राउंड थर्ड राउंड आपर पेसेंस राउंड पेसेंस राउंड कहीं कहूँ ना जी देखो आप 5 मिनट 45 सेकेंड आम रनिंग मार 5 मिनट 45 सेकेंड रू पार है काटि दिजिव आम 400 मीटरटा से जमीती कि 1600 मीटरटा 1700 पखापाखि मीटर हो जाए कहीं आम लंग रे रनिंग करुचे आते आम आगे रही जाऊे 20 दिन भितर तेज आम कमी जामी से 1600 20 30 भितर आसीजी आम फास्ट राउंड सेकेंड राउंड मारे सेकेंड राउंड पेसेंस राउंड रोक सेकेंड राउंड पेसेंस जब प्रोजेक्टर था आपको बुझे था कम सब मारूली आये बुझे था प्रोजेक्टर तो ना मो पाखे तो से कहूँ के देखिए पचार के तो सेकेंड राउंड आप मार्ग से आपणकर धस ही आसपा आपण को मानते अनफिट लगे आपण को पिला काटिक जापारती एमती सब घटना हो तो आप गोटे टार्गेट करेंगे जे मते जहाँ भी हेले आर्मी रनिंग क्वालिफाई करार अच्छे तेज आप रनिंग पेसेंस जदि आपको से समय पेसेंस नहीं कि मैंने देखो आप स्टेप बड़ उठे आप पेसेंस लगुत हाई स्पीड जाऊ स्टेप बड़ उठाऊ गोटे लेबुल जो जाते से सेकेंड राउंड थर्ड राउंड गोटे लेबुल चलो 20 30 जन भितर जदि आपको जन कहीं काटू आपको काटतु जदि आपको कहीं जन टे आगे जातु एमती करेंगे जदि आप पूरा अति थकी पड़ते तेज तल गुड़ को जन को अना तो विभिन्न प्रकार ट्रिक अच्छे जी जमी ट्रिक अप्लाय कर पाइला किए निश्वास छाड़ तो रनिंग कर देखिए पलि आस 1600 मीटर किए पटे नहीं कि भी रनिंग कर पलि आस जो जिनटा भल लगुच आपसे समय करेंगे मुझको कहूँ कह रही आपही भी सेमती यूज करेंगे मत जो भल न लगे से पटे चार थर निश्वास नहीं जाए पटे ही नहीं पुणी छाड़ी पुणी पलि जाए तो आपत किसी करेंगे कहीं मत से सुइटेबल लगुद आपइटेबल हम न हम से नहीं आपको जोटा सुइटेबल लगे से करेंगे ओके तो सेकेंड राउंड गला थर्ड राउंड गला फोर्थ राउंड किसी पिलांकर एंडिंग हुए ना स्टार्टिंग भल था मोर स्टार्टिंग भल था एंडिंग जमार ना मत एंडिंग 50 100 150 पिला काटती तो मुँह कली जे एंडिंग रे पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा जमी चली थी से 20 30 जन पिला भितर लास्ट पूरा एंडिंग पर्यंत एंडिंग 100 200 मीटर पर्यंत आखि बुझी पड़ेगली जो समय मैंने कही हेनी से कष्ट कौन तापर से 100 मीटरटा मुझे हेवी स्पीड में मारिकी क्वाली मानने फास्ट सेकेंड ग्रुप रही थी तो एमती ही आपण मैंने क्लीयर करें गोटे मिनिट 27 सेकेंड लगुच गोटे राउंड क्लीयर करने मैं से हिसाब से टाइमिंग हिसाब कले क्या आम प्रत्येक चारिटा राउंड मत तो आम क्लीयर कर सबूटा मारी पार गोटे मिनिट 27 सेकेंड में लास्ट राउंड गुड़ाक आम कम मजे मैंने थर्ड राउंड भी कम तेज फास्ट आउ सेकेंड जब आम टाणी दौर मजिदीटा बालान्स आम आराम से 5 मिनट 30 सेकेंड भितर मार ये है डायरेक्ट आप जो मैंने प्राक्टिकाली जो से देते से कथ रहा किंतु तापाई पूर्व प्राक्ट कौन कर दरकार प्राक्ट या कर दरकार आपण मैंने निजुक परीक्षा कर दरकार जो बर्तमान रनिंग करेंगे आपण को भितर किए पा बहुत हाईली रनिंग करदे आए पा धीरे धीरे रनिंग करे पा ग्रुप गला भाव अरे मुझ रनिंग पलिगले सी रही किए देखे ये सब कुछ छाड़ू आप 5 मिनट 45 सेकेंड भितर जब आप रनिंग मारिदे
ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ରନିଂ କରୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଖାଲି ପାଦରେ ରନିଂ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରନିଂ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଗ୍ରୁପରେ ରନିଂ କରୁଥାନ୍ତୁ କି ଏକଲା ରନିଂ କରୁଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗୋଟିଏ 5 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମକୁ ରନିଂ କ୍ଲିୟର କରିବାପାରି ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁମତି ରନିଂ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସାର୍ ମୁଁ କେମିତି ରନିଂ କଲେ ଟ୍ରିକ୍ କେମିତି ଗ୍ରୁପରେ କରିବି ନା ଏଥିରେ କରିବି, ଯେମିତି ରନିଂ କରୁଥାନ୍ତୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ରେଷ୍ଟ ବି ନିଅନ୍ତୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ରେଷ୍ଟ ବି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ଯେ ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର 5 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ସେବେ 2-4 ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆସିକି ରନିଂ କରନ୍ତୁ, ପେସେନ୍ସ ପାଇଁ ରନିଂ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମାପନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମାରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୋର ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସିଏ ହେଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ କି କୌଣସି ତେଲ ଫେଲ ମାରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 5 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ରନିଂ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପେସେନ୍ସ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ 3-4 କିଲୋମିଟର 5 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରନ୍ତୁ ଦିନକୁ, କିଛି ନହେଲେ ବି 30 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଆସିବେ, ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ମୁଁ 30 ମିନିଟ୍ ରନିଂ କରିବି। 30 ମିନିଟ୍ ରନିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଦେଖିବେ ନିଜକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ଯେ ଆପଣ ସେତିକି 5 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମାରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଓକେ, ଏ ହେଲା ରନିଂର ଫର୍ମୁଲା। କିନ୍ତୁ ରନିଂ ପାଇଁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏସବୁ କଥା କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ହାଇ ଜମ୍ପ ମାରୁଛୁ, ମୁଁ ସିଜରିକିରେ 5 ଫୁଟ୍ ମାରିଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବେଦିରେ 5 ଫୁଟ୍ ମାରୁଥିଲା, ଜଣେ ଆଉ ମାନେ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇ ପାଖରୁ ଆସିକି 5 ଫୁଟ୍ ମାରିଦେଉଥିଲା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ରନିଂରେ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ରନିଂ କରିକି ଆପଣ ଯଦି 5 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡରେ ମାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ତ ଯେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିକ୍ କହିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯଦି ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ଟିକେ ବ୍ରେନ୍ ଲିକ୍ ହଟେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେମିତି ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ରହିକି ଯେ ଆମେ ଆସିପାରିଲୁନି ଆଉ ଜଣେ ରହିଗଲା ସେମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ବି ରନିଂ କରନ୍ତୁ, କିଏ ଆସୁ ନ ଆସୁ ଆପଣ ରନିଂ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ମାରିଦେଉଛନ୍ତି ଆରାମସେ ତାପରେ ବୁଲନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି, ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣ ରନିଂ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ 5 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଯିଏ ବି ଯେତେ ଜାଗା ରନିଂ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପିଲା ଥିବେ ସେ 20 କିଲୋମିଟର 30 କିଲୋମିଟର 50 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରିଦେଉଥିବେ, କିଛି ପିଲା ଥିବେ ଅଣ୍ଡର୍ ଫୋର୍ ଭିତରେ ମାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆରେ ସେ ଏଥର ପାଇଯିବ ସେବୁ କରିବ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ୟାର। ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ 4 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମାରିବ ସିଏ ହିଁ ସେହି ରହିବ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟରେ, ସେ ହିଁ ଚାକିରି କରିବ 2 ଦରମା ପାଇଁ, ତମେ ବି 2 ଦରମା ପାଇବ ଚାକିରି ସମସ୍ତେ, ଯଦି ତମେ 5 ମିନିଟ୍ 44 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି ମାର ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ପାଇବ। ଓକେ, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଉଛି, ତଥାପି ଆଉଥରେ କହିହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ତାପରେ ପୁଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ କେମିତି ପୁଲ୍ଅପ୍ ମରାଯାଏ ତାର ମାନେ ମୁଁ ପୁଲ୍ଅପ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବି, ତାକୁ ଦେଖେଇଦେବେ। ତାପରେ ରହିଲା ବାଲାନ୍ସ, ବାଲାନ୍ସଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର 9 ଫୁଟ୍ ଡିଚ୍, ମାନେ 9 ଫୁଟ୍ଟା ଖାଲ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଥିବ, ସେଟା ଅଳ୍ପ ଖାଲ ରହେ, ସେଇଟାକୁ ଡେଇଁକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସ୍ପେସିଆଲି ରନିଂ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ସମୟ କହିଲି, ତେବେ ରନିଂ 5 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ 3 ମାସ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ 7 ଦିନରେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେବେ ମାରିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରନିଂ ବନ୍ଦ କରୁନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଗ୍ରୁପରୁ ବାହାରିକି ଏକୁଟିଆ ରନିଂ କରନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଏକୁଟିଆ ଯଦି ରନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଗ୍ରୁପରେ ରନିଂ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିକି 5 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟରେ ପହଞ୍ଚିକି ରହିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କେମିତି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲି, ଆଉ ରିଟିଂ ଉପରେ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ତେବେ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ରନିଂ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲି, ଯେଉଁ ଏଇ 5-4 ରାଉଣ୍ଡଟା ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ରନିଂ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ମୋର ପେସେନ୍ସ ସରିଗଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ନାଇଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ହେବନି, ମୁଁ ସେଇଠି ସିଧା ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିଲି। ଯେଉଁ ଆଗରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଚାଲୁଥିଲା ସେ ପିଲାର ଗୋଡ଼କୁ ଦେଖିଲି ଚାଲିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥାଏ ଯଦି ମୋତେ କେହି ଜଣେ ଆଗକୁ ଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ବି ଆଗୁଥାଏ, ଯଦି ସେ ପିଲା ରହିଗଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ 20-25 ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଆଉ ସେଇ 20-25 ପିଲା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆର୍ମି ଜିଡ଼ିରେ 30 ଭିତରେ ନିଏ, ତ ଆପଣ ରହିଯାଇଥିବେ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡିଂ ଯଦି ନଥାଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡିଂରେ 30-50-60 ଭିତରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ ନା, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପରେ ତ 10-15 ପିଲା ରହିବେ, ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପରେ ତ 25 ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ରହିବେ, 30-40 ଭିତରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ରହିଯିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ଆରାମସେ ରହିଯିବେ। ଓକେ, ତ ଏଇ ପ୍ଲାନିଂଟା ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ରନିଂ କରୁଛନ୍ତି 5 ମିନିଟ୍ 45 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ, ଯେଉଁମାନେ ରନିଂ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ରନିଂ ମାରନ୍ତୁ, ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆଜି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ 2 ସେକେଣ୍ଡ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଦିନ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, କମେଇ କମେଇ ଆସନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ 50 ସେକେଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଯିବେ।
बेस भी किसी आवश्यक एत ये हम आवश्यक ना गोटे दिन में मारी पार्स छः मिनट साढ़े छः मिनट मार्च मुझे कमी पाँच मिनट पैंतालीस सेकेंड आसे गोटे दिन दु तीन सेकेंड कमे चलांतु आराम से आस पहुँची ओके आप भावुत डाउट थी आपर जे रनिंगटा षोलश मीटर नु अठरश मीटर आउ पिला एमती भी कथा होते जे सेटा पांच मिनट पैंतालीस सेकेंड जोटा करा हूँ पांच मिनट भितर अंडर फाइव पिला आउ समय काटदे से सब भूल टाइमिंग आपन मोबाइल आपन घंटा भी रखी पारे आपन पाखरे बा आपन पिला जते बेला आपन रनिंग स्टार्टिंग हबो सेते बेला पिला कहि दे बाहर जमन थिबे भी मोबाइल देखिबे 5 मिनट 45 सेकंड परफेक्ट इन से निए आमे माने भी सेते बेला से आइ भाबुथलु आ ग्राउंड ता हुए तो 100 मीटर 150 मीटर बढी जो कोन पई जो ग्राउंड ता 100 मीटर चार्ज मन 400 मीटर पई करा जाय छी से 400 मीटर आपन ता बाहर बुलु जोंदी ता माने सेटा ही 400 मीटर राउंड जदि सीधा जाय थांते ताहले 16 मीटर आम जितेबाला ओएसएपी सिक्सटी ओएसएप मारूलु रनिंग मारि रोड रे सीधार 16 मीटर मारू बहुत बढ़िया रनिंग मारू एक्सीलेंट बहुत पिला बाहर ले तो ये कहीं हुए नहीं अंडर फाइव भितर कारण हूँ या जे से 16 मीटर टा 1718 हो जाए ओके तो से पांच मिनट पैंतालीस सेकेंडटा 16 मीटर 1800 मीटर 1700 मीटर मारे भी चेस्टा करते हैं।